आज 25 दिसंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जय सिंह जी की पुण्यतिथि है और आजमगढ़ के विश्वकर्मा सभागार में सभी विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्र होकर के यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जय सिंह जी भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और संघर्ष करते हुए पंजाब में के मुख्यमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने, इतने बड़े व्यक्तित्व का जन्म तिथि या पुण्यतिथि कांग्रेस पार्टी नहीं मनाती, क्योंकि वो जो है पिछड़ी जात के विश्वकर्मा समाज के थे। लेकिन विश्वकर्मा महासभा हर वर्ष उनका जन्म तिथि या पुण्यतिथि मना करके अपने महापुरुष को याद करती है और हम ये पूरे समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि ज्ञानी जय सिंह अपने संघर्ष के बल पर के आगे बढ़े थे, परिश्रम करते हुए आगे बढ़े थे और इन्होंने पूरे देश में संदेश दिया कि अगर व्यक्ति के मन में सच्ची निष्ठा, लगन और परिश्रम करने की क्षमता हो तो जाति कभी आड़े नहीं आती। गरीब व्यक्ति भी साधारण परिवार में पैदा होकर के बड़े से बड़ी कुर्सी तक पहुँच सकता है। देखिए, ज्ञानी जय सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम करते थे। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी लगातार उन्होंने संघर्ष किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए बार बार वो जेल गए, इसीलिए उनका नाम जेल सिंह यानी जेल सिंह रखा गया, क्योंकि वो बार बार आज़ादी की लड़ाई में जेल जाते थे। अंग्रेज लोग उनको पकड़ लेते थे, बंद कर देते थे, तो जेलर ने जुझला कहा कि जो है ये जो है जेल सिंह है, जेल सिंह है, और वही नाम जो है जेल सिंह पड़ गया जो है। तो कहने का ये मतलब है कि ज्ञानी जय सिंह अपने संघर्षों के बल पर परिश्रम करते हुए कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने इतना परिश्रम किया कि वो जो है विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते और देश के राष्ट्रपति भी हुए, देश के गृह मंत्री भी हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए। एक वह राष्ट्रपति एक मजबूत राष्ट्रपति थे, वह प्रधानमंत्री के रबर स्टैम्प नहीं थे। आपको मालूम होगा कि इंडियन पोस्टल बिल पर जब राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जय सिंह जी का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाद हो गया था तो इन्होंने इंडियन पोस्टल बिल पर दस्तखत करने से मना कर दिया था और बिल को वापस लौटा दिया था। तो उस देश के हित में, जनता के हित में जो बड़े फैसले होते थे वह जनता के हित में वो फैसले लेने का काम करते थे, किसी सरकार का पिछलग्गू बनकर के उन्होंने काम नहीं किया।